जोहार झारखंड, नमस्कार साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल रामा मैथ मस्ती में स्वागत है। चलिए ले चलते हैं आपको क्लास की ओर और दिखाते हैं यहाँ पे झारखंड एक्साइज कॉन्स्टेबल में पूछे जाने वाले मैथ क्वेश्चन। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। हम लोग पहले झारखंड एक्साइज कॉन्स्टेबल के 2001 से लेकर के 21 तक क्वेश्चन बैंक को बना लिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक का आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सेट करके यहाँ पे सॉल्व कर ले हैं और इसी टाइप की क्वेश्चन आपको झारखंड एक्साइज कॉन्स्टेबल में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, 12 पुरुष या 24 लड़के किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। क्या बोल रहा है? 12 पुरुष या 24 लड़के किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। 15 पुरुष और 60 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। चलिए हम लोग ट्रिक का यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे बोल रहा है 12 पुरुष, 12 पुरुष हो, मैन हो, या फिर 24 लड़के हो, 24 बॉय हो, दोनों कितने दिनों में करते हैं? 60 दिनों में कार्य करते हैं। अगर 12 मैन लगा है तो वो 60 दिन में कार्य को पूरा करेगा, या फिर 24 लड़के लगे हैं तो भी 60 दिनों में कार्य पूरा करेंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये 60 से 60 गए हो, 12 दूना 24 एक इधर, यानी 1 मैन इक्वल टू 2 बॉय। यहाँ मैन बाई बॉय इक्वल टू 2 ऊपर है, ये जाएगा नीचे। यहाँ पे 2 मैन आपका और 1 बॉय आ गया, ठीक है, निकल गया इसका रेशियो। अब हम लोग क्या करते हैं कि टोटल समय निकालने के लिए कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं ये दोनों, तो क्या करेंगे, ये टोटल कार्य है, ये है या ये, दोनों में से कोई ले लो आप, टोटल कार्य हो जाएंगे। ये लेंगे तो भी सही, ऊपर ये लेंगे तो भी सही। हम लोग इसको ले लेते हैं, 12 मैन इक्वल टू 60 बाई 12 मैन इंटू 60 बाई कितना, 15 मैन प्लस 6 बॉय हो गया। 12 मैन कितना है? 2 इंटू 60। 15 मैन कितना है? 2 प्लस 6 गुना बॉय कितना है? 1। आप इसको सॉल्व कर देंगे, 12 गुना 2 गुना 60 बट्टा 15 दूना 30 प्लस 6, यानी कि 12 गुना 2 गुना 60 बाई 36। 12 तिया 36, 30 से 3 से 60 कितना बार है? 3 दूना 6, 20 तिया 60, तिया 20 दूना 40, यानी कि 40 डेज, 40 डेज में 15 मैन और 6 पुरुष इसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बनाने से पहले आपको बता दें कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ मैथ अगर समझ में अच्छा से आ रहा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरा वीडियो और तक जा सके। चलिए आपको इस क्वेश्चन को दिखाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, तो बोल रहा है एक्स स्क्वायर बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 दिया हुआ है। अगर यहाँ से हम लोग 1 बाई एक्स का वैल्यू निकालें, 1 बाई एक्स का वैल्यू निकालें, तो ये प्लस के जगह पे केवल माइनस हो जाता है। ये आपका हो गया क्या, 1 बाई एक्स का वैल्यू। अगर ये गिवन दिया हुआ हो और 1 बाई एक्स का मान निकालना हो तो आपको यहाँ डायरेक्ट हम बता देते हैं कि डायरेक्ट माइनस हो जाता है। आपको बता देंगे वीडियो, दूसरे वीडियो में, कि ये कैसे होता है। चलिए ये हो गया आपका ये। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू, ये से ये कट जाएगा, 3 और 3 6, यानी x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू आ गया आपको 6। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, पढ़ चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 6 का स्क्वायर माइनस का 2, यानी 6 6 36 माइनस 2 आपका आंसर आ गया 34। ये आपका राइट आंसर है, 34 इसका राइट आंसर ये आपको दिया हुआ है। चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और हम बताते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन वेरी सिंपल मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। बोल रहा है ए बी की तुलना में 25% कुशल है, मतलब कार्य करने में कुशल है, कार्य करने की क्षमता ए बी से बी की तुलना में 25% क्या है अधिक है ना, ठीक है। यदि वे एक साथ 20 दिनों में काम पूरा करते हैं, ठीक है, एक दिनों में 20 दिनों में काम पूरा करते हैं, उसी कार्य को कितने दिनों में बी अकेले पूरा करेगा, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ए बी की तुलना में कितना 25% कार्य कुशल है, 25% का मतलब 1/4 होगा, 1/4 कैसे होगा, 25% प्रतिशत का मतलब होता है 25, 1/100, 25 × 100 यानी कि 1/4 आ गया, ये हो गया आपका 25 का प्रतिशत का मतलब 1/4। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए है बी की तुलना में 25% अधिक है, यानी कि वो चार काम कर रहा है तो 4 × 1 ये 5 कार्य करेगा, और दोनों का कार्य अगर निकाले तो 5 × 4 = 9 कार्य, 9 कार्य करेगा, 9 20 दिनों में काम पूरा करते हैं, 9 कार्य एक दिन में दोनों मिलके 9 कार्य करते हैं, तो 20 दिन में 9 × 18 180 कार्य, टोटल कार्य कितना है, यानी कि टोटल कार्य 180 है। अब पूछ रहा है उसी कार्य को बी कितने दिनों में अकेले पूरा करेगा, अगर बी क्या समय निकालना है कि कितने दिनों में पूरा करेगा, ये टोटल कार्य 180 है, बी का निकालना है इसलिए 20 वाला से भाग दे देंगे, कितना बार में जाएगा, 4 × 16 कितना बच गया, 2 × 20 4 × 5 = 20 यानी कि 45 डेज में। अगर यहाँ पे हमको निकालना होता कि ए की कार्य कितने दिनों में ए पूरा कर सकता है, तो टोटल कार्य कितना है, ए का समय कितना दिन, टोटल कार्य 180 है और ए का कार्य कितना है 5, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा 15 × 3 = 18 5 × 36 यानी ए द्वारा 36 दिनों में कार्य पूरा करेगा और बी द्वारा 45 दिनों। यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है कि बी कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा, बी 45 दिनों में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका ये 4। एक क्वेश्चन ब्रीथ ये सर्कल ट्रेंगल रेक्टेंगल इस सबसे एक क्वेश्चन आपको जरूर झारखंड एक्साइज कॉन्स्टेबल में बनता है। चलिए आपको यहाँ पे दिखाते हैं ये क्वेश्चन। यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है ऑप्शन में आपको लगाना। बोला एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपको वृत्त परिधि बता दे कि 2πr होता है, वृत्त के परिधि 2πr होता है, वृत्त के परिधि कितना दिया हुआ है, परिधि 44 दिया हुआ है, इक्वल टू 2π का मान 22/7 होता है, आर यहाँ रह गया, ठीक है, 22 × 44 ठीक है, 2 से 2 कट गया, यहाँ 7 को इधर भेजेंगे, यहाँ पे बच गया 1 = 1/7r, 7 को यहाँ भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 = r, यानी कि r का वैल्यू आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल सभी लोग जानते हैं कि πr² होता है और पाई का मान 22/7 होता है, r का वैल्यू यहाँ पे आपका निकाला हुआ है 7 × 7, 7 का स्क्वायर मतलब कि 7 × 7, ये 7 से ये 7 कट गया, 22 × 7 = 154 cm², ये आ गया आपका राइट आंसर जो कि ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है। चलिए ले चलते आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान देंगे दोस्त, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन झारखंड एक्साइज कॉन्स्टेबल में क्वेश्चन एक रेशियो से पूछता ही पूछता है, इसलिए रेशियो भी आप अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पे आपको एक रेशियो का क्वेश्चन दिए हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है a ratio b = c, 3 रेशियो दिया हुआ है, ए बी और सी दिया हुआ है, और यहाँ पे एक बोल रहा है कि ए और रेशियो सी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जितना रेशियो में अल्फाबेटिक टर्म लिखा होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, 2 देगा या फिर 3 देगा, यहाँ पे 3 है, ए बी और सी दिख रहा है, और ए सी ए और सी का रेशियो ज्ञात करने के लिए बोला है। यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है 3:2 तथा बी और सी दिया हुआ है, बी और सी कितना दिया हुआ है 3 और 4,
अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ और यहाँ आपका खाली स्थान बच जाता है। खाली स्थान पर क्या करेंगे, जो इसके सामने वाला है उसको भर देंगे, यहाँ इसके सामने वाला जो है उसको भर देंगे, हो गया। उसके बाद गुणा कर देंगे, तीन तियाई नौ रेशियो तीन दुना छः रेशियो चार दुना आठ, चार दुना आठ, ये आपका आ गया रेशियो। अगर सेम नंबर से अगर रेशियो कटता है तो उसको हम लोग काट देते हैं, अगर नहीं कटता है तो ये आपका रेशियो निकल गया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रेशियो ये दो तक थ्री से कट रहा है लेकिन ये नहीं कट पा रहा है, और टू से काटेंगे तो ये कटेगा ये कटेगा ये नहीं कटेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं काट सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पूछ रहा है ए रेशियो सी कितना है, तो यहाँ ए का ये नाइन आ गया, ए नाइन आ गया और सी कितना आ गया, एट आ गया। ए रेशियो सी कितना है, नाइन रेशियो एट है, नाइन रेशियो एट है, ठीक है, नाइन रेशियो एट है। अगर पूछ देता कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है, यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी आपका ये है ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन हम लोग क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन गलत दे दिया गया है, आपका नाइन रेशियो एट होता, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सीख रहे होंगे इस तरह के क्वेश्चन, आपको अगर क्वेश्चन मिलता है वहाँ पे एग्जाम हॉल में तो आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।